अस्सलाम वालेकुम, मैं वजाहत अलीशा इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए सिंध के किनारे जो कि मेरे आबाई गांव जरूबी में वाक़ है। ये मेरा मैसेज तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए है। तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिल की अथाह गहराइयों से ईद कुर्बा मुबारक। आप लोगों को इल्म है कि दुनिया पिछले 5 माह से एक आजमाइश से गुज़र रही है, तो इसमें मेरा पाकिस्तान भी शामिल है। पिछले 5 माह से COVID-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से लोग, सफ़ेद पोश लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। तो इस ईद कुर्बा पर, ईद उल अज़हा पर हमने ज़रूर उन लोगों का ख्याल रखना है, उन लोगों का साथ देना है। सफ़ेद पोश लोग हैं, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर के लोग जो पिछले 5 माह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, और शायद ये जो कल आने वाली ईद है या ईद कुर्बान है, शायद ये उनके लिए उस तरह नहीं होगी जिस तरह वो पिछली ईद मना चुके थे। तो ये उन लोगों का हक है हमारे ऊपर, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों का साथ दे दे और उन लोगों को इस ईद कुर्बान में अकेला महसूस ना होने दे, ताकि ये जो आजमाइश है, ये जो आर्जी तौर पर हमारे ऊपर ये जो बहरान आया है, ताकि ये उन पर नफसियाती तौर पर हावी ना हो। इसके अलावा ईद कुर्बान है, कुर्बानी होती है, हर घर से होती है, तो हमने जानवर के साथ साथ एक और चीज़ की भी कुर्बानी देनी है, और वो है उस रवैये की जो गुरूर, तकब्बुर और अना से भरा है। तो हमने इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि ये इस तरह का रवैया जो गुरूर, तकब्बुर और अना से बना हो, जो हमारी कामयाबी की राह में एक रुकावट हो, तो इसको हमने जड़ से उखाड़ के कुर्बान करना है, ख़त्म करना है। तो आप लोग ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट वजाहत अली शाह, साइनिंग आउट। ईद मुबारक।